आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हम आपको ढेर सारे उपाय बताएंगे, उसमें से कोई एक करना है आपको, आप दो भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। साल 2019 में महाशिवरात्रि 4 मार्च को है और दिन है सोमवार, और हम आपको बहुत सारे उपाय बताने जा रहे हैं। देखिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से एक दो तो कर ही सकते हैं। आप किन चीज़ों का प्रयोग करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवनदायिनी होती है, अतः जितनी ज़्यादा और जितना समय तक जल धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। तो चलिए अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, सूर्य को अर्घ्य दें तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी का मंत्रों के से जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना है आपको। दूसरा उपाय, महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद, पारा जो होता है, छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय, शिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी और इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। अगला उपाय, रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय आप मनी मन नमः शिवाय, नमः शिवाय ये कहते चले जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। यदि आप शिक्षा और एकाग्रता के लिए कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा में दूध की मिलाएं, इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव 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 कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, यह बहुत ही फलीभूत होगा आपको। यदि आप चाहें, मैं अगला उपाय बता रहा हूं, तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं और मंत्र है आपका ओम नमः शिवाय। ये कम से कम आपको 108 दफा करना है। अगला उपाय, हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने जाते हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अगला उपाय, यदि आपको अथाह धन चाहिए
तो आप दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीजों को अर्पित करें, एक साथ चीजों को नहीं मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें और बोले ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। और जितना ज्यादा मंत्र जाप आप कर सकते उतना ज्यादा कीजिए। फिर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। मिलाना क्या क्या है? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, एक एक करके एक साथ मत मिलाइए। अथाह धन संपत्ति, और मंत्र पढ़ना जरूरी है। अगला उपाय, किसी सुहागन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है। अभी सुहाग का सामान जैसे लाल सारी, लाल चूड़ियां, कुमकुम, तो जो सुहागन है उनको आप दे दीजिए महाशिवरात्रि के दिन। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसको आप कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए वो लोग शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें, फिर संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अगर आपके परिवार में कुछ कलह है, सुखी पारिवारिक जीवन नहीं है, तो उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करें और अर्पित करते समय शिव 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 कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ा ही सुखद हो जाएगा। अगला उपाय हम आपको बताते हैं, महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों का दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप ये कर सकते हैं। यदि शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर उतने ही बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र के साथ आप नमः शिवाय, नमः शिवाय ये करते जाएं और अंत में शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगला उपाय सुनिए, जो लोग शिवरात्रि पर किसी विलव वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें महालक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। ऐसे लोग जीवन भर सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहते हैं और कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, वो जरूर सफल होते हैं। अब शिवरात्रि का हम वो उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप महा उपाय कह सकते हैं। रात्रि में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें शमी पत्र अर्पित करें, साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय का मंत्र आप यथाशक्ति जाप करें, जो भी मनोकामना है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें और इसके बाद रुद्राक्ष की माला को आप गले में धारण करें। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगला उपाय बता रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार बिलव वृक्ष जो है माना जाता है कि वो महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें, फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीजें विशेष रूप से चढ़ाएं। इसकी पूजा से बहुत जल्द सारे शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि पर बिलव के पास दीपक जलाएं, बिलव वृक्ष जो होता है बेल का वृक्ष, वहां पे आप दीपक जलाइए। अगला उपाय, जब आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, उस दिन तो ऐसे काफी भीड़ रहता, पता नहीं आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पर ये आपको करना है, जो शिवलिंग है उसे हथेलियों से रगड़े और नमः शिवाय का बात करें। इस उपाय से किसी भी की भी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि हाथ की जो रेखाएं हैं इस उपाय से बदल जाते हैं। एक और उपाय हम आपको बताते हैं, जल में केसर मिलाइए और ये जल शिवलिंग पर चढ़ाएं।
इस उपाय से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। यदि जिंदगी में आप बहुत जल्द सफलता पाना चाहते हैं, अगला उपाय बता रहे हैं, तो रोज पारे से बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करें। पारे शिवलिंग बहुत चमत्कारिक होता है। यदि लक्ष्मी की अस्थाई कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाइए। चावल पूरे होने चाहिए, अच्छत होने चाहिए, अखंडित, बिल्कुल अखंडित चावल होने चाहिए। अगला उपाय, नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन तो ये जरूर कीजिएगा। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि से शुरू करके रोज धतूरा चढ़ाइए, घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। ये उपाय संतान को सभी कार्यों में सफलता दिलाती है। अगला उपाय सुनिए, यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज दुर्वा चढ़ाएं। इससे शिवजी और गणेश की कृपा आप पे होती है और सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। एक और उपाय बताते हैं, चावल पकाएं और उन चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें, इसके बाद पूजा करें, इससे मंगल दोष शांत होता है। एक और उपाय, शिवरात्रि के दिन शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 1.25 किलो या फिर 11 किलो या फिर 21 किलो या फिर 51 किलो यथाशक्ति है आप चावल का दान कीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए और जल में थोड़ा सा तिल मिला लीजिएगा। तो तिल मिला हुआ जल चढ़ाना, तो इससे आपको शनि दोष और रोगों से छुटकारा मिलता है। यदि आपको बीमारियों से छुटकारा निजात पाना है तो फिर आप पानी में दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और महाशिवरात्रि से शुरू करके आप रोज ये काम कर सकते हैं। आप सारी सुख सुविधाओं, सुख समृद्धि के लिए आप 11 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखें, इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।